बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कैसर अली और मैं आपको अपने चैनल मिस्टर कंप्यूटर में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज छोटी सी कंप्यूटर टिप्स लेकर आया हूं जिससे आप यकीनन मुस्तफीद होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। दोस्तों, मैं यहाँ पर इंटरनेट मेक में सॉफ्टवेयर टिप्स वगैरह के मतलब वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सब दोस्त जब भी आप कोई अपनी फाइल डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो जाती है रिसाइकल बिन में जाती है। उसके बाद आप उसे पहले वहाँ से डिलीट करते हैं, फिर यहाँ से मिसाल के तौर पर हम ले देते हैं, एक फाइल है न्यू फोल्डर, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं रिसाइकल बिन में, यहाँ से फिर एम्प्टी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको यहाँ पे एम्प्टी के बगैर ही आप जो भी कोई फाइल आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम से बाहर जाएगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी बल्कि वो कम्प्लीटली तौर पर वो डिलीट हो जाएगी। वो तरीका क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने जाना है रिसाइकल बिन, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर डोंट मूव फाइल टू रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीट, तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। यहाँ पर आपने अप्लाई ओके, उसके बाद दोबारा देखते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर वो फाइल आई ही नहीं, वो डायरेक्टली तौर पर यहाँ से कंप्यूटर से वो कम्प्लीटली तौर पर डिलीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले आपको करके दिखाया कि यहाँ से डिलीट करते हैं। वो रिसाइकल बिन में जाती है, फिर उसे हम यहाँ से रिसाइकल बिन से भी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक्स आपके काम आ सकती है। आप जब भी कोई आपकी फालतू फाइल जो आप समझें कि ये फाइल मेरे काम की नहीं है तो आप यहाँ से अगर आप डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली तौर पर आपके सिस्टम से कम्प्लीटली तौर पर डिलीट हो जाएगी और वो रिसाइकल बिन में नहीं आएगी और ना ही आपको दोबारा यहाँ पर आकर उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये एक छोटी सी टिप्स? उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।